सिंह खानदान ई ग्रेड ग्राउंड में अपने शेरियत जीन के कारण ही इतना ज्यादा मशहूर था। ये एक पुश्तैनी जीन था। बेशक अब दुनिया में ढेर सारे पुश्तैनी जीन्स का पता लगाया जा चुका था और हर कैंप में कम से कम एक पुश्तैनी जीन तो एक्टिवेट हो ही चुका था, लेकिन फिर भी उन सब पुश्तैनी जीन्स में से शेरियत की आज भी बहुत ज्यादा अहमियत थी। ये सबसे पुराने पुश्तैनी जीन्स में से एक था। ये जीन किसी की अंदर आने से उसके ताकत में 10 गुना उछाल आ जाता था। ये मैक्स के बिग मंकी जीन से तो काफी ज्यादा असरदार और ताकतवर था। इस शेरियत जीन के होने के बावजूद भी मॉरिस रॉबिन की ताकत को दबा नहीं सकते थे। उन्हें खुद रुककर अपनी तरफ से लड़ाई रोकनी पड़ी थी, और ऐसा भी न होता अगर विलास ऐसा करने को न कहते। रॉबिन की बेइंतहा ताकत ने न सिर्फ सिंह खानदान के हर शख्स को हैरान कर दिया, बल्कि निक्की को भी कर दिया था। और निक्की तो रॉबिन की ताकत के कई नमूने पहले भी देख चुकी थी। जब राजकुमारी मधु ने भी रॉबिन और मॉरिस की लड़ाई का परिणाम देखा तो उनकी आंखों में अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था जो आज तक नहीं देखा गया था। हालांकि राजकुमारी मधु को ये मालूम था कि मॉरिस रॉबिन का टेस्ट ही ले रहे थे, लेकिन रॉबिन ने टेस्ट में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। एक पल को तो राजकुमारी मधु को भी लग रहा था कि कहीं एक जीन चेन वाले वॉरियर को यहाँ लेकर आना उसकी एक गलती तो नहीं थी, लेकिन अब कुछ शक शुबा नहीं रहा था, न राजकुमारी को और ना ही चीफ विलास को। मानना पड़ेगा जनाब की ताकत को, बेहतरीन। तुम लाखों में एक हो रॉबिन। मॉरिस ने जो इम्तिहान तुम्हारे सामने रखा उसमें तुम सफल हुए, मुझे खुशी है। तुम्हारे यहां होने से हमारी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। विलास ने एक मुस्कान के साथ ये कहा और शाबाशी के तौर पर अपनी बेटी राजकुमारी मधु के कंधे पे हाथ रख दिया। लेकिन अब विलास के मन में एक शक तो बैठ गया था कि इस लड़के की सिर्फ एक जीन चेन पूरी नहीं हुई थी। विलास इतने सालों से इस ऊंची पदवी पर था, बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे, तो उसे कम उम्र में ही सिंह खानदान के अहम सदस्यों में शामिल कर लिया गया था। हालांकि चीफ वो बहुत अरसे बाद बने थे, लेकिन बनने से पहले कितने युद्ध लड़ चुके थे, कितने लोगों से मिल चुके थे, कितनी ट्रेनिंग कर चुके थे और कितना तजुर्बा इकट्ठा कर चुके थे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए विलास के सामने झूठ बोलने से कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें सच झूठ का फर्क करना अच्छे से आता था। इसलिए उन्हें मालूम था कि रॉबिन सच छिपा रहा था। उसने सिर्फ मॉरिस की जीन स्किल का प्रेशर नहीं झेला, बल्कि झेलने के लिए उसने किसी जीन स्किल का इस्तेमाल भी नहीं किया था। लेकिन उन्हें इस बात से कोई हर्ज नहीं था कि रॉबिन ने सच छिपाया, क्योंकि वो खुद एक वॉरियर थे और अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना उनकी नजर में कोई जुर्म नहीं था, और शायद इसलिए उनकी नजर में रॉबिन को और इज्जत मिल गई थी। इसके बाद लोगों के जमावड़े को वापस भेज दिया गया और चीफ विलास ने सभी को अंडरग्राउंड क्वार्टर्स के अंदर आने को कहा। चीफ के कहने पर सब लोग अंदर चले भी गए। बेशक अंडरग्राउंड था, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा आलीशान था। किसी महल से कम नहीं था राजकुमारी का घर। अंदर जाते ही रॉबिन और निक्की को उनके अलग अलग कमरे सौंप दिए गए। अब क्योंकि महापर्व के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, तो उन्हें वापस भेजने का कोई मतलब भी नहीं था। उनके यहीं ठहरने का इंतजाम कर दिया था। अब तैयारी के दिन भी कम ही बचे थे, तो रॉबिन को यही रहकर अपनी सारी तैयारी करनी थी। और रॉबिन जब से अपने कमरे में आया था तब से वहीं पर था। वो काफी थका हुआ था, इसलिए आराम कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसके कमरे में पहला मेहमान आया, और वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि खुद राजकुमारी मधु ही थी। राजकुमारी मधु ने हल्के से दरवाजा खटखटाया और रॉबिन की इजाजत के साथ धीरे धीरे कमरे में आ गई। उन्होंने भी सिंह खानदान की फौज वाली वर्दी पहन रखी थी, जिस पर सिंह खानदान का निशान बना हुआ था। उस वर्दी के बावजूद भी उनका राजकुमारी वाला ढंग नहीं बदला। रॉबिन,
मुझे उम्मीद है आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पूछने में झिझकना मत, आप मुझे बिना किसी परेशानी के बता सकते हैं, राजकुमारी ने मेहमान नवाजी करते हुए कहा। इसके अलावा भी उन्हें कुछ बातें कहनी थी जो उन्होंने कहना शुरू कर दी। आने वाले महापर्व में आपका मुकाबला बाज खानदान और हिम खानदान के योद्धाओं से होगा। उन खानदानों के पास सप्लाईज की कोई कमी नहीं है, यानी उन योद्धाओं के पास अपने जीन स्किल्स के अलावा भी ताकतें हो सकती है। अगर आपको भी किसी तरह का इक्विपमेंट चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। सिंह खानदान ये महापर्व जीतने में आपकी जितनी मदद कर सकता है करेगा, राजकुमारी ने कहा। लेकिन अभी तक रॉबिन ने कुछ खास नहीं कहा। राजकुमारी के हिसाब से रॉबिन एक रहस्यमयी इंसान था। जब रॉबिन ने ब्राउन को हराया था तो बस बेसिक तकनीक का इस्तेमाल किया था, ना कि अपनी जीन स्किल्स का, और उसकी आंखों में खौफ नहीं था। और उसके बाद जब मॉरिस भी रॉबिन का इम्तिहान ले रहे थे तब भी रॉबिन ने बस शारीरिक ताकत दिखाई थी, ना कि कोई जीन स्किल। लेकिन अब वो जानने को उत्सुक हो रही थी कि रॉबिन के जीन स्किल्स क्या है, क्योंकि राजकुमारी को अब मुकाबले में रणनीति बनाने की जरूरत लग रही थी। योद्धा की ताकत के अलावा अक्सर ऐसे मुकाबलों में रणनीति भी काम आ जाती है। आखिर सारे दुश्मन दिमाग वाले तो नहीं होते। बैलों से आप ताकत में जीत सके ना सके, लेकिन दिमाग लगाकर उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन जितना राजकुमारी को लगता था, बाज और हिम खानदान कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो ताकत का इस्तेमाल तो करेंगे ही, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल भी करेंगे, और सिंह खानदान को भी वही करना था। ताकत के लिहाज से तो रॉबिन के आने के बाद वो निश्चिंत हो गए थे, लेकिन अब बारी थी रणनीति की। राजकुमारी कुछ कह पाती या पूछ पाती उससे पहले ही रॉबिन बोल पड़ा, ऐसा कीजिए कि कोई हल्का सा कवच हो जो मुझे चलने फिरने दौड़ने में ज्यादा दिक्कत ना दे, उसका इंतजाम कर दीजिएगा। रॉबिन अच्छे से जानता था कि उसके पास कोई ब्राउन जैसा स्किल तो था नहीं, उसके पास तो ताकत का भंडार था, इसलिए उसे ताकत के दम पर ही इस मुकाबले को जीतना था। ऐसे में सामने वाले के हमलों से बचने के लिए अगर कवच जैसी कोई मदद मिल जाए तो क्या बुराई थी। और फिर उसके पास चीफ अल्ताफ की दी हुई आर्टिफिशियल आर्म भी तो था। कवच और उसका जोड़ रॉबिन को और ताकतवर बना देगा। एक कवच, राजकुमारी ने अपने आप से कहा, और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमारी की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। हाँ, याद आया, सिंह खानदान के खजाने में ऐसी पुश्तैनी कवच है। मामूली नहीं है, स्पेशल है, लेकिन बहुत अरसा बीत गया है उन्हें एक्टिवेट किए हुए। चलो एक बार देखने में क्या हर्ज है, राजकुमारी ने कहा। पुश्तैनी कवच, रॉबिन ने कहा और फिर हां में सर हिला दिया। कैंप ब्रावो में चीफ की इजाजत के बिना आप किसी को कोई सामान नहीं दे सकते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। काम बांट दिए गए थे, सबके हिस्से कुछ ना कुछ जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी के साथ साथ ताकत भी। ये सही था कि सबसे ज्यादा ताकत तो चीफ के पास थी, लेकिन फिर भी सब लोगों की अहमियत थी, और ऐसा सिर्फ सिंह खानदान में ही नहीं था, हिम और बाज खानदान का भी यही हाल था। कुछ देर बाद राजकुमारी रॉबिन को सिंह खानदान के गोदाम में ले गई और वहां पहुंचकर कहने लगी, अब इतना वक्त हो गया है इस पुश्तैनी कवच को इस्तेमाल किए हुए, मुझे तो ठीक से इसकी ताकतों का अंदाजा नहीं रहा। गोदाम का दरवाजा खोला और आगे चलती गई, पीछे पीछे रॉबिन आता है। जितना मुझे याद है उसके मुताबिक जिस भी किसी के पास शेरियत जीन होता है वो ही इसे एक्टिवेट कर पाता है, और अभी नस्ल में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे एक्टिवेट कर पाए। कुछ एरिया को पार करने के बाद वो दोनों गोदाम के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। वहां दीवार पर एक बहुत पुराना सा कवच टंगा हुआ था। उसे देखकर तो ऐसा लगता था मानो उसमें कोई खास ताकत नहीं थी। ऐसा लगता था चोर बाजार से डुप्लीकेट उठाकर यहाँ टांग दिया हो।
इससे बेहतर तो वो कवच लगते थे जो सिंह खानदान के आम सिपाहियों ने डाल रखे थे। रॉबिन को भी उस कवच की काबिलियत पर विश्वास नहीं हो रहा था। बुरा ना मानिए राजकुमारी, पर आप पक्के तरीके से कह रही है ना कि यही वो पुश्तैनी कवच है जो आप मुझे देने की बात कर रही थी, क्योंकि इसकी शक्ल तो ऐसी नहीं है, रॉबिन ने कहा। सामने से राजकुमारी भी कह उठी। शक्ल से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अंदर कितनी ताकत है, वरना आपकी शक्ल पर भी ऐसा तो नहीं लिखा था कि आप ब्राउन या मेरे चाचा मॉरिस को हरा सकते हैं, राजकुमारी ने कहा और हंस पड़ी। रॉबिन भी उनकी बात पे मुस्कुरा पड़ा। लेकिन मैंने अपनी ताकत का नमूना तो पेश किया था, क्या ये कवच ऐसा करेगा, रॉबिन ने उसी मुस्कान के साथ कहा। नमूना मैंने देखा था, इस कवच ने नहीं। पहले आपको इस कवच के आगे ये साबित करना होगा कि आप काबिल हैं, तब ये कवच भी एक्टिवेट होकर आपको अपनी ताकत का नमूना दे देगा। राजकुमारी के पास भी हर बात का जवाब मानो पहले से ही था। चलिए वो भी समय आ जाएगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक आप खुद ही इसके बारे में कुछ और बातें बता दीजिए, रॉबिन ने पूछा। राजकुमारी ने अपनी बात शुरू की। हमारे खानदान में इस कवच के चर्चे और कहानियां बहुत है, पर मैंने कभी उन कहानियों को सच होते नहीं देखा है। कोई योद्धा ऐसा आया ही नहीं जो इसे एक्टिवेट कर सके, इसलिए अब ये हमारे खानदान में किसी अस्त्र से ज्यादा हमारी पुश्तैनी ताकत का चिन्ह है। पूरे खानदान में इसकी बहुत इज्जत है। और आप ऐसी चीज मुझे देना चाहती है जिसके साथ लोगों को इतना जुड़ाव हो, रॉबिन ने अगला सवाल पूछा। ये कवच सिंह खानदान की ताकत है और आप हमारे योद्धा हैं। आप अपने ताकत से हमें जिताने की कोशिश करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो हमारी ताकत क्या घर पर पड़ी रहेगी? हम आपके लिए तो जो मुमकिन होगा वो सब करेंगे, राजकुमारी ने कहा। और रॉबिन को राजकुमारी की बातें पसंद आने लग गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग रॉबिन को जीतने का बस एक हथियार समझ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो रॉबिन को वैसी ही इज्जत दे रहे हैं जैसे कि सिंह खानदान के किसी सदस्य को मिलती थी। रॉबिन को यह बर्ताव बहुत पसंद आया। राजकुमारी को लेकर उसके मन में इज्जत और बढ़ गई। वो किसी और के लिए न सही, लेकिन राजकुमारी के लिए तो ये मुकाबला जीतना चाह रहा था। यही सोचते सोचते उसने दीवार पर से कवच उतार लिया। क्या वो कवच वाकई में खास है? क्या रॉबिन को इससे कुछ भी फायदा होगा? क्या रॉबिन के मन में राजकुमारी को लेकर कोई भाव उमड़ रहा था? कमेंट्स में बताइए और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब रॉबिन ने सुना कि पुश्तैनी कवच को कोई ऐसा ही एक्टिवेट कर सकता है जिसके पास शेरियत की जीन चेन और स्किल हो, तो उसे ऐसा लगा मानो कि ये कवच कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। जिसे एक्टिवेट करना ही इतना मुश्किल था तो उसमें कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते थे। हालांकि मॉरिस के पास ये जीन चेन और स्किल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस कवच को एक्टिवेट नहीं कर पाया था, तो किसी और के लिए तो ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम होने वाला था। चीफ विलास ने बताया था कि आखिरी बार उनके पिता ने ही इसे एक्टिवेट किया था, उसके बाद से कोई भी इस काबिल नहीं बन पाया था, इसलिए राजकुमारी मधु के हिसाब से रॉबिन भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था। ये रॉबिन को दिया जा रहा था क्योंकि उसने एक कवच की मांग की थी, बस। लेकिन रॉबिन को ये कवच कितना काम आने वाला था ये उसे पता भी नहीं था। जब रॉबिन ने उसे दीवार से उतारा तो उसे उस कवच के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो किसी भी मामूली कवच जैसा ही था, लेकिन जैसे ही रॉबिन ने उसे पहना तब उसे महसूस हुआ मानो उस कवच का वजन धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। ये सब बिल्कुल ऐसा था मानो रॉबिन के कंधे पर पहले बिल्कुल ही खाली बस्ता था, लेकिन फिर अचानक से उस बस्ते में 50 किताबें भर दी गई हो और उसके ऊपर और भरी जा रही हो। अगर रॉबिन ने मेजर मार्श की ग्रेविटी वाले जीन स्किल्स में अपनी ट्रेनिंग न की होती तो शायद वो अभी इस कवच का वजन नहीं उठा पाता,
और राजकुमारी मधु के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ता। लेकिन उसी वक्त रॉबिन को एक और बात समझ में आ गई कि ये पुश्तैनी कवच कोई मामूली चीज नहीं थी। इसमें कुछ न कुछ खासियत थी जिसे रॉबिन को पहचानना था, और अगर ऐसा होता है तो ये कितना काम आ जाए ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। यहाँ किसी को मालूम भी नहीं था कि रॉबिन के पास बाकी जीन स्किल्स के अलावा एक्सट्रैक्शन की ताकत भी थी, यानी वो सामने खड़े किसी भी आदमी के जीन स्किल को सोख कर अपने शरीर में उस जीन स्किल को दाखिल कर सकता था। फिर वो सामने वाले के खिलाफ उसी की ताकत का इस्तेमाल करके उसे चकमा भी दे सकता था। रॉबिन ने मॉरिस के साथ मुकाबले के वक्त ही चीफ विलास और मॉरिस से शेरियत का जीन स्किल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, और एक दो कोशिशों के बाद वो इसमें कामयाब भी हो गया था। रॉबिन के अंदर शेरियत वाला जीन स्किल था, और ये सोचकर उसकी आंखों में एक ताकत भरी चमक आ गई और चेहरे पे मुस्कान भी। ये कवच बुरा नहीं है और मेरे शरीर पर बराबर बैठ गया है। शायद पुश्तैनी चीजें ही नई नस्ल के काम आएंगी इस बार। शुक्रिया राजकुमारी, मैं इस कवच को अपने पास रखकर इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा, रॉबिन ने उसी मुस्कान के साथ कहा, और फिर उस कवच को पहने पहने अभ्यास के तौर पर बेसिक तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। हाँ, लेकिन इस कवच का तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। तुम अभी भी सोच लो, अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और इक्विपमेंट चाहिए तो इसका इंतजाम भी किया जा सकता है, राजकुमारी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। मुझे दरअसल इस कवच की बनावट बहुत अच्छी लगी। क्या आप नहीं चाहेंगे कि इतने बड़े महापर्व में सिंह खानदान की पुश्तैनी ताकत सबके सामने आए? और रॉबिन ने मानो राजकुमारी को हल्का सा छेड़ते हुए ये बात बोली। रॉबिन को राजकुमारी से बात करने में अब अलग सा मजा आने लगा था। फिर राजकुमारी भी उसे इतना वक्त दे रही थी। रॉबिन बहुत खास महसूस कर रहा था। ठीक है, आप चाहते हैं तो पहनिए। अगर आपका मन बदल जाए और आप इसकी जगह हमारा सिंह खानदान का फौजी कवच पहनना चाहे तो वो भी बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है महापर्व में अपनी पूरी जी जान से लड़ेंगे आप, राजकुमारी ने कहा। इसके बाद वो गोदाम के दूसरे हिस्से में चलने लगी। रॉबिन भी कवच पहने पहने उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो अब कोई दूसरा इक्विपमेंट ढूंढ रहे थे। चलते चलते वो हथियारों के आसपास आ पहुंचे और रॉबिन की नजर एक छड़ी पर पड़ी जिस पर एक गोल्डन रंग की पट्टी थी। वो बहुत आम सी छड़ी लग रही थी, देखकर लगता नहीं था मानो वो भविष्य का हथियार था। राजकुमारी ने छड़ी को देखते हुए कहा, हमारे यहाँ एक बात सिखाई जाती है, बंदूक सीखने में आदमी की उम्र जा सकती है, तलवारबाजी सीखने में कई साल, लेकिन अगर जी जान लगा दिया जाए तो छड़ी से लड़ना एक महीने में सीखा जा सकता है। रॉबिन को भी पता था कि छड़ी सीखने और इस्तेमाल करने के लहजे से सबसे आसान हथियार था, और क्योंकि महापर्व को अब ज्यादा समय नहीं है तो किसी ऐसे हथियार को सीखना जिसमें वक्त ज्यादा लगे बेवकूफी होगी। रॉबिन ने कहा, अगर आपके यहाँ ऐसा कहा जाता है और आप भी ऐसा ही मानती है तो मैं भी फिर कोई और हथियार इस्तेमाल ना करके छड़ी को ही अपना हथियार बनाता हूँ। इसे सीखने में मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है, आपको सिखाने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे योद्धा है, हमारे चाचा मॉरिस, राजकुमारी ने कहा, और रॉबिन की हंसी छूटते छूटते बच गई। ऐसा नहीं था कि वो मॉरिस को घमंड में आकर कम आंकने लग गया था, नहीं, उसे अच्छे से मालूम था कि शारीरिक ताकत से लड़ना एक बात थी और कोई हथियार चलाने में माहिर होना बिल्कुल ही अलग बात। उसने वहां से वो छड़ी भी उठाई और कवच तो पहना ही हुआ था, तो राजकुमारी के बाहर जाते ही वो भी पीछे पीछे हो लिया। वो रास्ते में चलते चलते छड़ी को अच्छे से देख रहा था, उसका आकार, उसकी लंबाई को बार बार चेक कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हो। वो ये करते करते ही अपने रूम में पहुंचा जहां निक्की पहले से ही बैठी हुई थी। कहां घूम रहे थे जनाब, निक्की ने पूछा। यहीं, राजकुमारी के साथ, रॉबिन ने बताया। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था,
यहाँ आते ही तुम्हें खूबसूरत सी लड़की मिल गई, निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अंदाजा लगाना बंद कर सकती हो निक्की, रॉबिन ने सब सामान बिस्तर पर रखते हुए कहा। अंदाजा नहीं लगा रही, फैक्ट बता रही हूँ। मैंने देखा है उसे तुम्हें देखते हुए। तुम्हें कोई और उस तरह से नहीं देखता रॉबिन, निक्की ने कहा। तुम भी नहीं, रॉबिन ने कहा और हंस पड़ा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें बस एक योद्धा चाहिए जो उन्हें जिता दे, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझसे ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। एक बार मैं जीत जाऊं उसके बाद कोई मुझे उस तरह से नहीं देखेगा जिस तरह से तुम बता रही हो, और वैसे भी मैं तो उनके साथ बस मुकाबले के लिए सामान देखने गया था। रॉबिन ने अपनी बात पूरी की। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि अचानक निक्की की नजर रॉबिन के बदन के ऊपर पड़े कवच पर पड़ी और उसकी हंसी छूट गई। ये क्या पहना हुआ है तुमने? रॉबिन ने उसकी ओर देखा और अपना सवाल पूछ लिया। जो भी पहना हुआ है, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? हंसो ना तो क्या करूं? तुम सदियों पुराना कुछ पहन के मेरे सामने खड़े हो। ये बोलकर निक्की फिर से हंस पड़ी। रॉबिन उसके नजदीक आ गया, उसके गालों पर हाथ रखा और कहा, तुम शायद भूल रही हो निक्की, लेकिन मैं भी सदियों पुराना ही हूँ, मुझ पर भी हंसोगी क्या? रॉबिन ने जब ये कहा तो निक्की एकदम सुन्न पड़ गई। वो लाजवाब हो गई और कुछ नहीं कह पाई। उसकी चुप्पी देखकर रॉबिन हंस पड़ा, और फिर उसे हंसता देख निक्की को प्यार भरा गुस्सा आया और उसने रॉबिन के छाती पर मुक्का मारा, लेकिन रॉबिन हंसता रहा और बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे जब उसकी हंसी रुकी तो वो नॉर्मल होकर कहने लगा, ये वो है जिसे यहाँ के बादशाह लोग पहना करते थे निक्की, और अब ये मैं पहन रहा हूँ, इसलिए तुम आज से मुझे बादशाह रॉबिन बुलाओगी, ठीक है? ये कहकर वो फिर से हंसने लग गया और निक्की भी उसके साथ खिलखिला पड़ी। उनका रिश्ता अब काफी गहरा हो गया था। भविष्य में निक्की से ज्यादा नजदीक अब रॉबिन के अलावा कोई नहीं। सुहाना वापस आ गई थी, लेकिन वो निक्की की अहमियत अब रॉबिन की जिंदगी से खत्म नहीं कर सकती थी। रॉबिन अब मुकाबले की तैयारी में जुटा हुआ था। वो हर रोज मॉरिस के साथ ट्रेनिंग किया करता था। बेशक मॉरिस रॉबिन को सिखा रहा था, लेकिन उसे रॉबिन जरा भी पसंद नहीं था। उसे आज तक वो शर्मिंदगी याद थी, इसलिए उसने मन ही मन फैसला ले लिया था कि ये ट्रेनिंग रॉबिन के लिए किसी नरक यात्रा से कम नहीं होगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि रॉबिन इतनी जल्दी इन सब चीजों का आदी हो जाएगा और बेहतर होता जाएगा। ये बात उसके जहन में आई भी नहीं थी। महापर्व को अब कुछ ही दिन बचे थे, और इतने से दिनों में रॉबिन का छड़ी वाली तकनीक को सीख जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। बेशक छड़ी युद्ध कला सीखना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन छड़ी वाली तकनीक एक मुश्किल कला थी, और कम समय में सीखने के लिए तो बेशक थी ही। सिंह खानदान में एक बात कही जाती थी कि मुकाबला या तो वो नौजवान जीतता है जिसमें बेशुमार ताकत हो, या फिर वो बुजुर्ग जिसके पास बेहिसाब तजुर्बा हो। और यहाँ इतने दिनों के ट्रेनिंग के बाद सिखाने वाला बुजुर्ग सीखने वाले नौजवान की ताकत को अब दबा के नहीं रख सकता था। ना सिर्फ रॉबिन शक्तिशाली था, पर इसके अलावा उसके हमले बिल्कुल निशाने पर लगते थे, और उसका एक भी वार खाली नहीं जाता था, क्योंकि रॉबिन हमेशा ही मौके की तलाश में रहता था, इसलिए वो ज्यादा ही चौकन्ना रहता था। जब उसे मौका मिल जाता था तो वो ऐसा हमला करता था जिससे बचना किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। मॉरिस को लगा नहीं था कि रॉबिन की ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी खुद की ट्रेनिंग भी हो गई थी। रॉबिन के साथ साथ मॉरिस के स्किल्स भी निखर रहे थे, वो खुद भी एक बेहतर योद्धा बनता जा रहा था। मॉरिस न सिर्फ सिंह खानदान का एक अहम सदस्य था, बल्कि वो इस इलाके के सभी योद्धाओं का गुरु भी था। यहाँ सब योद्धाओं को मॉरिस ने ही ट्रेन किया था, और वो सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। कैंप ब्रावो अल्फा के साथ अगर इनकी तुलना करे तो लगेगा कि बिल्ली की तुलना चीते से की जा रही हो। उनकी ताकत और स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क था, जो कि रॉबिन को मालूम हो गया था। अपने आसपास के माहौल को देखकर अपनी संगत के हिसाब से आदमी की तरक्की होती है। रॉबिन अगर कैंप ब्रावो में ही रहता तो वो सच में तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं। अगर शहर में टीले ही होंगे
तो उन पर चढ़ चढ़ कर हम पहाड़ चढ़ने के काबिल नहीं हो सकते ना। बाहर निकलकर असली पर्वत शिखरों को देखना जरूरी है, तब मालूम चलता है कि हम कहां खड़े हैं। रॉबिन को भी अब ये पता चल गया था और वो बहुत खुश था कि वो चीफ के कहने पर उस बाजार में आया और राजकुमारी के कहने पर महापर्व में लड़ने को राजी हुआ। ऐसा ना होता तो बहुत बड़े मौके से वंचित रह जाता। उसे खुद भी अपनी तरक्की पर यकीन नहीं हो रहा था, तो किसी को क्या होता। मॉरिस ने भी अपनी जिंदगी में इतना जल्दी सीखने वाला कोई इंसान नहीं देखा था। रॉबिन बहुत जल्द शिखर पर पहुंच रहा था। क्या छड़ी वाली तकनीक जंग में काम आएगी या रॉबिन अपनी ताकत का इस्तेमाल ही करेगा? उन बिच्छुओं या बाकी किसी खतरे का क्या हुआ? क्या होगा जब चीफ रॉबिन के सामने आएंगे? कमेंट्स में बताइए और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कहानियां अक्सर सुनने में आसान लगती है, लेकिन अगर उन कहानियों का किरदार हमें बनना पड़ जाए तो शायद हम उसे निभा ना पाए। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि परेशान जिंदगी से दूर जाकर भविष्य में अपने लिए जगह बनाना, वहां वो सब कुछ हासिल कर लेना जो यहाँ नहीं कर सके, सपने चुटकी में पूरे हो जाना। लेकिन सपने पूरे करने में हमेशा एक बराबर मेहनत, शिद्दत और लगन लगती है। हर युग में जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए एक बराबर हौसला चाहिए होता है। रॉबिन अपने वर्तमान में क्या था? कुछ भी नहीं। जो उसने हासिल किया था वो भी खो दिया था। वही रॉबिन जब भविष्य में आया तो उसमें ऐसा क्या बदलाव आ गया जो उसे इतनी ऊंचाइयों तक ले गया था? आत्मविश्वास, ये वो दवा थी जो बड़े से बड़े मर्ज का इलाज कर सकती थी, और जिंदगी से बड़ा मर्ज आज तक कोई बना ही नहीं। रॉबिन की जिंदगी भी किसी बीमारी से कम नहीं थी, जिसे आत्मविश्वास ने बदल के रख दिया। न सिर्फ वो वर्तमान से भविष्य में आया, बल्कि भविष्य में उसने वो कर दिखाया जो यहाँ के इसी समय के लोग भी नहीं कर सकते थे। वो ताकतवर बना, उसने जंग में हिस्सा लेकर इंसानों को जीत भी दिलाई, उसने अपने स्किल्स को निखारा और आज वो एक ऊंचे खानदान के गुरु से युद्ध शिक्षा ले रहा था, जहां गुरु भी हैरान था कि ये शिष्य आखिर किस मिट्टी का बना है। मॉरिस उसे हमले पे हमले सिखा रहा था और रॉबिन सीखता चला जा रहा था, चाहे वो तूफानी तबाही हो, चाहे वो हजार पे वार हो या फिर सीधा घातक वार हो, वो हर चीज सीखता जा रहा था। रॉबिन एक के बाद एक हमले मॉरिस पर कर रहा था और अब मॉरिस के लिए खुद को बचाना मुश्किल होता जा रहा था। ना सिर्फ हमले ताकतवर थे बल्कि तेज भी थे। छड़ी तकनीक हमले और बचाव का संतुलन रखकर बनाई गई थी, और हथियार का ज्यादा मजबूत ना होना इस बात का सबूत था कि इस हथियार में किसी की जान लेने वाले गुण नहीं थे। लेकिन जब जब रॉबिन मॉरिस पर हमला कर रहा था तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। लग रहा था कि छड़ी किसी की जान भी ले सकती थी। रॉबिन ने अगले हमले का इस्तेमाल किया, लोहा वार। अब तो मॉरिस के हाथ मानो सुन्न पड़ गए थे, और इस हमले से मॉरिस की छड़ी भी कहीं दूर जाकर गिर गई थी। उस पल बिल्कुल फिल्मों के जैसे रॉबिन ने छड़ी से वार करना शुरू किया और छड़ी बिल्कुल मॉरिस के मुंह के पास आकर रोक दी थी। एक डर मॉरिस की आंखों में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा दानव है जो एक जीन चेन पूरी होने के बावजूद उसे बार बार इतना शर्मिंदा किए जा रहा था। अब तक रॉबिन ने अपनी किसी जीन स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था, और यही बात मॉरिस को और ज्यादा डराए जा रही थी। अगर ये बिना जीन स्किल का इस्तेमाल किए ये सब करने के काबिल है, तो जब ये मुकाबले में अपने जीन स्किल इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? एक बार तो मॉरिस के मन में भी आ गया कि वहां शायद ही कोई रॉबिन की टक्कर का आए, लेकिन मॉरिस ने उसी वक्त उस ख्याल को अपने जहन में से निकाला। वो नहीं चाहता था कि जीतने से पहले वो जीत के सपने देखने लग जाए। उसके मन में ये ख्याल भी आया कि अगर रॉबिन के जीन्स और सुधर जाए तो चीफ विलास से कहकर इसे अपने खानदान में शामिल किया जा सकता था। रॉबिन से लगातार इतने दिन लड़ाई करने के बाद मॉरिस को रॉबिन के अंदर बे इंतहा गुंजाइश दिखाई दी, और स्किल या गुण होना अलग बात थी,
लेकिन रॉबिन के अंदर सीखने की अटूट इच्छा भी थी। कोई चीज उसका ध्यान नहीं भटका सकती थी। उसके अंदर सीखने की ऐसी प्यास थी जो सारा दिन मेहनत करके भी नहीं बुझती थी। ऐसा होनहार आदमी कहीं और होने से अच्छा था अपने ही पाले में हो। अगर इसके जीन चेन इतने कम पीछे न होती तो बेशक सिंह खानदान के अगले वारिस के लिए भी रॉबिन का नाम उठाया जा सकता था। जो लोग रॉबिन और मॉरिस को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखते थे, अब तो उन्हें भी लगने लग गया था कि मॉरिस अब रॉबिन का मुकाबला नहीं कर सकता था। रॉबिन मॉरिस से कहीं आगे जा चुका था, पर फिर उनके मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि मॉरिस अभी अपनी जीन स्किल्स इस्तेमाल किए बिना लड़ रहे थे। लेकिन महापर्व में ऐसा नहीं होगा, वहां कोई ढील देने वाला नहीं होगा, सब जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। असल इम्तिहान तो वही होना था। हिम खानदान और बास खानदान के योद्धाओं को हल्के में लेना एक भूल होगी। लोगों में ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन एक बात तो तय थी कि रॉबिन को हर रोज मेहनत करते देख उनके मन में एक उम्मीद तो जग गई थी जो अब तक नहीं थी। बेटे कुछ दिनों में सिंह खानदान के सभी सीनियर सदस्य में एक उम्मीद तो जग गई थी जो अब तक नहीं थी। बेटे कुछ दिनों में सिंह खानदान के सभी सीनियर सदस्य रॉबिन को ट्रेनिंग करते हुए देखने के लिए आते थे। आखिर ये कोई आम बात तो नहीं थी कि एक अवेकन्ड वॉरियर जो कि अपनी जीन स्किल्स का इस्तेमाल करके जंग लड़ सकता था, वो मामूली सिपाही और उसकी मेहनत और लगन देखने के बाद सब लोग उससे बहुत खुश थे। पहले दिन रॉबिन को मुश्किल हो रही थी, वो मॉरिस की ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहा था। दूसरे तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, लेकिन फिर चौथे दिन रॉबिन कच्चा खिलाड़ी नहीं रहा। चौथे दिन ही वो मॉरिस को बराबर की टक्कर देने लग गया था। उसका लड़ने का तरीका बड़ा खूंखार सा था। ऐसा लगता नहीं था कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता था कि वो असल युद्ध में है। आपने मुझ पर इतनी मेहनत की, उसके लिए शुक्रिया मास्टर मॉरिस, रॉबिन ने कहा और फिर अपनी छड़ी पीछे करके अपना सर मॉरिस के सामने झुका दिया। बेशक उन दोनों में खास बनती नहीं थी, लेकिन मॉरिस ने रॉबिन को सिखाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ी। इसी पल वहां ट्रेनिंग ग्राउंड में राजकुमारी मधु आ गई। उनके आते ही रॉबिन की नजर घूमकर उनकी तरफ चली गई। महापर्व होने में अभी 2 दिन है और बाजार भी महापर्व के आखिर तक लगा ही रहेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन शरीर के साथ साथ दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। आप ऐसा कीजिए, बाजार घुमाइए, लगे हाथ अगर आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए हो तो वो भी ले आइएगा, राजकुमारी ने कहा। जैसा राजकुमारी कहे वैसा ही होगा, रॉबिन ने आगे सर झुकाते हुए कहा। आखिर यहाँ आने का पहला कारण तो बाजार से कैंप के लिए सामान खरीदना ही था, तो ऐसा ही हुआ। कुछ एक तैयारियों के बाद रॉबिन बाजार के लिए निकल गया, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ राजकुमारी मधु भी थी। और इस बार बात ये थी कि राजकुमारी ने किसी भी तरह की रक्षक ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। वो बस रॉबिन के साथ जाना चाहती थी और बिना रक्षकों के वो ज्यादा खुश और आजाद थी। वो लोग जैसे ही बाजार पहुंचे तो वो ऐसे सजा हुआ था मानो दिवाली हो। रॉबिन को ये सजावट देखकर अपना वक्त याद आ गया। जब से रॉबिन यहाँ आया था तब से उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। उसे लगता था मानो भविष्य में खुशी मनाने के मौकों की बहुत कमी थी, जो कि सच भी था। वो चलते चलते तिरछी नजरों से राजकुमारी को देखता रहता था। वो बहुत ही हसीन थी और उसकी उम्र की ही थी। दुकानदार शोर मचा रहे थे अपना अपना सामान बेचने के लिए। पैना खंजर, पैना खंजर, दुश्मन को पनीर के जैसे काट देता है ये पैना खंजर। इसे इस्तेमाल करके ऐसा महसूस होता है मानो हम कोई अवेकन्ड वॉरियर है, जिसे विश्वास नहीं छू के देख ले और 320 लाइफ सोर्स के बदले में ले जाए, एक दुकानदार ने कहा। दिमागी खास दोस्तों, इस जड़ी में जीन एनर्जी है, इसे खाने से दिमाग और शरीर दोनों मजबूत होते हैं, सिर्फ 100 लाइफ सोर्सेस के बदले, और अगर 2 लोगे तो 1 मुफ्त ले जाना, असलम की दुकान से खुश होकर ही जाओगे, दूसरे ने कहा। बहुत सारी अजीबो गरीब चीजों का प्रचार हो रहा था।
कुछ लोग खरीद भी रहे थे, कुछ लोग बस देखकर ही खुशी मना रहे थे। आखिर उनके लिए भी ये बाजार कभी कभी ही लगता था। कुछ चीजों में तो रॉबिन को भी दिलचस्पी आ गई थी। कुछ चीजें रॉबिन ने कभी नहीं देखी थी और उसे उन चीजों के होने का अंदाजा भी नहीं था। भविष्य अभी रॉबिन ने तसल्ली से कहां देखा था। राजकुमारी को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो पहली बार बिना सिंह खानदान की पोशाक पहने और बिना कोई रक्षक साथ लिए यहां आई थी। लोगों का ध्यान इस बार राजकुमारी पर नहीं था और इस चीज की उन्हें आदत नहीं थी। अगर बाजार में से एक भी इंसान उन्हें पहचान जाता तो हल्ला मच जाता। उन्हें देखने भर के लिए यहाँ लाइन लग जाती। आखिर उन्हें ई ग्रेड ग्राउंड की सबसे सुंदर लड़की बिना वजह तो नहीं कहा जाता। चलो रॉबिन, यहां से चलते हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाती हूं, राजकुमारी ने कहा और रॉबिन को खींचकर कहीं और ले गई। रॉबिन ने विरोध नहीं किया। एक तो वो राजकुमारी थी, दूसरा रॉबिन के विरोध करने की इच्छा भी नहीं थी। वो तो चाहता था कि ऐसा हो। जिसे सारी दुनिया चाहती है, अगर वो आपका हाथ पकड़कर सारे बाजार में घूम रही हो तो ऐतराज करने वाला पागल होगा। और रॉबिन पागल नहीं था। रॉबिन को एक जगह एक चीज पड़ी हुई दिखी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा इंसान था। उसे देख के ऐसा लगता था मानो पुराना योद्धा था। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे जो हथियारों के सिवा किसी और चीज के नहीं हो सकते थे। बहुत कम लोग उसके पास आकर सामान ले रहे थे और जो आ रहे थे वो दुकान की हालत देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन फिर भी रॉबिन वहां गया और चीजों का आंकलन करने लगा। उसके नेगेटिव वाले जीन चेन के कारण उसकी हालत भापने की शक्ति काफी अच्छी हो गई थी, इसलिए उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई ऐसी चीज थी जिसमें बहुत ताकतवर जीन एनर्जी थी। हालांकि वो अपनी शक्ति के बारे में भी बिल्कुल ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, लेकिन इतना पक्का था कि इस दुकान का सामान बहुत खास था और बाकी दुकानों से अलग भी था। बड़े भाई, क्या बेच रहे हो? ये सामान सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं? रॉबिन ने पूछा। कूड़ा है सर, कुछ नहीं है ये, सामने से जवाब आया, और इस तरीके से कि मानो उसे सामान बेचने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। बाकी दुकानदार जिस ऊर्जा से बेच रहे थे उसके हिसाब से तो इसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। रॉबिन को लगा कि कहीं वो भूल तो नहीं कर रहा। वो एक बार जाने को हुआ लेकिन रुक गया था। उसने सारी दुकान को देखा और फिर रॉबिन का ध्यान एक किसी चीज पर गया। वो चीज बेजान सी लग रही थी। दरअसल वो एक पुराना तांबे का ब्रेसलेट था, लेकिन उसकी जीन एनर्जी मानो रॉबिन से बात कर रही थी। उसकी जीन एनर्जी मानो रॉबिन से कह रही थी कि तुम ठीक सोच रहे हो, मैं वही हूँ, एक धमाका हूँ, बस अलग रंग का, मुझे हर कोई नहीं पहचान सकता। रॉबिन लगातार उस ब्रेसलेट को देखे जा रहा था। दोस्तों, क्या है ये ब्रेसलेट और क्या है इसकी ताकत, और अगर ये इतना खास है तो क्या दुकानदार इसे रॉबिन को देगा? कमेंट्स में बताइए और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या चीजें बात कर सकती है? क्या ऐसा होना मुमकिन है? हमारे सामने रखी कोई चीज अगर आपसे बात ही करने लग जाए तो हम क्या करेंगे? क्या डर के भागना सही रहेगा या उस चीज से बात करना सही होगा? हम अभी कुछ भी अंदाजा लगाने के लिए आजाद थे, लेकिन जब ऐसा असल में होगा उस दिन हम क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन रॉबिन वही खड़ा रहा और इस ब्रेसलेट को देखता रहा। उस ब्रेसलेट में कुछ तो ऐसा था जो रॉबिन को दूर नहीं जाने दे रहा था। रॉबिन ब्रेसलेट को देख रहा था और राजकुमारी रॉबिन को। कुछ चाहिए क्या रॉबिन? यहाँ किस लिए रुके हुए हो? राजकुमारी ने पूछा भी, लेकिन रॉबिन अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि राजकुमारी उसे बुला रही थी। राजकुमारी को रॉबिन जितना पसंद करने लग गया था उससे ये तय था कि राजकुमारी को अनसुना तो नहीं कर रहा था। वो उस ब्रेसलेट में खोया हुआ था बस। राजकुमारी रॉबिन के पास आई और वो भी उस दुकान में लगे सामान को देखने लग गई। वहां ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिसे देखकर खरीदने का मन हो।
तो फिर रॉबिन इस तरह से जड़ क्यों हो गया था? राजकुमारी भी रॉबिन के जड़ होने की वजह जानना चाहती थी। रॉबिन बस उस ब्रेसलेट को ही देखे जा रहा था। दुकानदार को भी रॉबिन कुछ अजीब किस्म का लगा। ना कुछ खरीद रहा था, ना कुछ पूछ रहा था, बस पागलों की तरह एक जगह देख रहा था। ये ब्रेसलेट मुझे पसंद आया है, इसका दाम क्या है? रॉबिन ने ब्रेसलेट उठाया और उसे अच्छे से देखने लग गया। राजकुमारी उसे देखकर हैरान हो गई कि रॉबिन इस चीज के लिए यहाँ रुका हुआ था। इससे अच्छे ब्रेसलेट्स तो राजकुमारी के कमरे में होंगे। लेकिन राजकुमारी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सबकी अपनी पसंद अपनी इच्छाएं होती है। और रॉबिन राजकुमारी के खानदान के लिए जो कर रहा था, उसके बाद उसकी छोटी मोटी कमियां उन्हें परेशान नहीं करने वाली थी। 50 लाइफ सोर्सेस, दुकानदार ने कहा। और रॉबिन ने एक पल गवाए बिना कह दिया, ठीक है, मैं खरीद रहा हूँ। रॉबिन के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और उसने लाइफ सोर्सेस का एक लिफाफा दुकानदार के सामने रख दिया। दुकानदार ने थैला उठाकर लाइफ सोर्सेस को गिना। आसपास की दुकान वाले रॉबिन को देखकर हंस रहे थे। मुर्गा हलाल कर दिया साले ने। देख के बता सकता हूँ कि ये यहाँ का नहीं है, एफ ग्रेड ग्राउंड से आया है पक्का। वही के लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं। 50 लाइफ सोर्सेस में कितना कुछ आ जाता है और इसने ब्रेसलेट पर बर्बाद कर दिया। डूब के मर जाना चाहिए इसे। उनकी हंसी और बातें जारी रही। रॉबिन को अंदाजा भी नहीं था कि लोग लगातार उसे देख रहे थे, और अगर उसे पता भी होता तो भी वो उनकी रत्ती भर परवाह न करता। रॉबिन का सारा ध्यान उसी ब्रेसलेट पर था। उसे बार बार ब्रेसलेट में एक जीन एनर्जी महसूस हो रही थी। हाँ, उसके बारे में पता लगाना आसान नहीं था, इसलिए किसी और को महसूस भी नहीं हो रही थी, लेकिन वहां जीन एनर्जी थी जरूर। इसे नकारा भी नहीं जा सकता था। रॉबिन उसे टेस्ट करना चाहता था, लेकिन इतनी भीड़ में रॉबिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। रॉबिन नहीं चाहता था कि किसी को यह अंदाजा भी हो कि रॉबिन के हाथ क्या लग गया था। कुछ देर देखने के बाद उसने उस ब्रेसलेट को वापस जेब में रख दिया। जब उसका ध्यान ब्रेसलेट से हटा, तब उसने आसपास देखा कि राजकुमारी वहां थी ही नहीं। रॉबिन को व्यस्त देख राजकुमारी बाजार में कहीं टहलने चली गई थी। पहली पहली बार इस तरह की आजादी मिलने पर राजकुमारी से सब्र नहीं हो पा रहा था। वो चाहती थी कि जितना इस दिन का आनंद ले सकती थी ले ले। एक जगह वो अकेले चल ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो एक लंबा सा आदमी था जिसका चेहरा डरावना सा लग रहा था। एक बार उस आदमी को देख भर लेने से बताया जा सकता था कि वो कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके साथ मजाक किया जा सके। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की, और शायद अकेली आई है बाजार में। बताओ, अकेली हो? अकेली हो तो आओ, मैं तुम्हें बाजार घुमा देता हूं, उस आदमी ने कहा। दरअसल वो कई देर से राजकुमारी मधु पर नजर टिकाए खड़ा था। इंतजार कर रहा था कि वो अकेली कहीं जाए, और जैसे ही ऐसा हुआ वो आदमी सामने आ गया। जब वो आदमी मुस्कुराया तो उसके पीले दांत नजर आए। जब वो बात कर रहा था तो उसके पीछे दो और आदमी आ गए थे। हट जाओ रास्ते से, राजकुमारी मधु ने उन्हें हल्की आवाज में बिना डरे कहा। राजकुमारी ने अपने बारे में नहीं बताया, क्योंकि उनके वो बता देने से बाजार में हल्ला मच जाएगा। ओहो हो, तीखी लड़की है, बढ़िया है, मुझे तो तीखा खाना ही पसंद है, उस आदमी ने कहा। और कहते ही राजकुमारी के पास आ गया और उनका हाथ पकड़ लिया था। मेरी कोशिश थी कि मैं सोर्सेस देकर तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दूंगी, लेकिन क्योंकि अब तुमने हद पार कर दी है तो मामला लाइफ सोर्सेस से कहीं आगे बढ़ चुका है, राजकुमारी ने कहा। और वो तीनों राजकुमारी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राजकुमारी अपने जीन स्किल का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि अचानक से आवाज आई। इस तरह की आवाज के साथ उन तीनों में से एक आदमी तो हवा में उड़ चुका था, और कुछ सेकंड में धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर भी वापस गिर गया। इस चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जितने ऊपर वो आदमी उड़ा था, वो चीज देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। पता नहीं एक थप्पड़ में ही कितनी जान थी। अब बहुत तेज चलती है राजकुमारी,
आपको पता भी नहीं चला होगा शायद, लेकिन मैं पीछे छूट गया था, रॉबिन ने कहा और मुस्कुरा दिया। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा। कौन सा माइकल लाल आ गया मेरे काम में टांग अड़ाने? किसकी मौत ने उसको यहाँ भेजा है? गिरे हुए आदमी की आवाज आई। वो धीरे धीरे उठ रहा था। उसका मुंह लाल हुआ पड़ा था और साथ साथ सूजा भी पड़ा था। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है, ताकि मैं उसका काम आसान कर सकूं। रॉबिन ने तन कर वैसे ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन रॉबिन ने उस आदमी को अपना नाम तक बताने के काबिल नहीं समझा। राजकुमारी भी ये बात सुनकर थोड़ा हंस पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हंसी पर काबू किया। तुम्हें पता नहीं तुम किसके इलाके में खड़े हो, तुम गब्बर को गुस्सा दिला रहे हो। पता भी नहीं है गब्बर को गुस्सा दिलाना और मरना एक बराबर है, गब्बर ने कहा। गब्बर नाम सुनकर रॉबिन की तो हंसी छूट गई, लेकिन बाकी सभी दुकानदार डर गए थे। ये गब्बर है? ये तो डॉन है यहाँ का। इससे पंगा लेने वाला कौन पागल आ गया? अभी चला जाएगा, किसी ने गब्बर को देखा थोड़ी है, लेकिन नाम सबको पता है, देखना अभी कैसे दुम दबा के भाग जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना ही भागे तो अच्छा है, हमेशा गब्बर के किस्से ही सुने हैं, एक बार लड़ते हुए भी देख ले। पागल हो गए हो क्या? पता है ना गब्बर मारे बिना छोड़ता नहीं है, ग्राहकों को मरवाना है। लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। एक बात तो तय थी कि गब्बर कोई बड़ी चीज तो जरूर था। आखिर गब्बर के आदमी पूरे बाजार में तो फैले हुए थे। कहा तो ये भी जाता था कि एक बड़ा खानदान भी गब्बर को सपोर्ट करता था, तभी तो इतना दबदबा था। बल्कि अब तो दबदबा इतना हो गया था कि ये पूरा बाजार ही गब्बर का इलाका हो गया था, इसलिए सबकी हालत पतली हो गई थी। लेकिन रॉबिन को तो ये मालूम नहीं था, और अगर होता भी तब भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। मेरे खिलाफ जाने वाला कोई भी दोबारा मुस्कुराने लायक नहीं बचता, जाओ पकड़ लो साले को, गब्बर चिल्लाया। पीछे खड़े दोनों लोगों ने अपने छुरे निकाले और उनके चेहरे पर अब खून सवार था। वो लोग रॉबिन की तरफ आए और रॉबिन ने हाल ही में सीखी हुई एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे वो लोग ड्रैगन स्ट्राइक कहते थे। ड्रैगन स्ट्राइक का इस्तेमाल करते ही दोनों आदमी दूर जा गिरे और उनके मुंह से खून निकलने लग गया था। ओ तेरी की, ये कौन सा आइटम है? पंगे तो ले रहा है और आदमी भी पटक रहा है गब्बर के। मिया, गब्बर का टाइम पूरा हो गया है और कुछ नहीं। लोगों की अपनी बातचीत फिर चालू हो गई। दोनों आदमी रॉबिन का बाल भी बांका नहीं कर पाए और खुद चित्त हो गए थे। बाजार में खड़ा हर आदमी हैरान था, आखिर खानदान के सिपाहियों को छोड़कर बाजार में इतना ताकतवर आदमी कोई आता नहीं था जिसमें गब्बर या उसके आदमियों से लड़ाई करने की हिम्मत हो। एक तरफ गब्बर के पूरी तरह से ट्रेंड आदमी और एक तरफ मामूली सी ड्रैगन स्ट्राइक इस्तेमाल करने वाला एक लड़का। मुकाबला बराबर का न होते हुए भी मजेदार हो गया था। एक बार तो ये भी महसूस होने लग गया था कि ये रॉबिन का तुक्का होगा, वरना एक हमले में ऐसा होना नामुमकिन था। लेकिन गब्बर दंग रह गया था, तुक्का भी इतना बड़ा तो नहीं लग सकता था, और गब्बर ये बात जानता था। सामने कोई दबंग आदमी ही खड़ा था पक्का। तू है कौन बे? गब्बर ने कहा। रॉबिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और गब्बर की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल गया था। रॉबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बताया तो था, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है, ताकि मैं उसका काम आसान कर सकूं। वो बहुत सादगी से मुस्कुरा रहा था, लेकिन किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उस्ताद, उस्ताद, अंधा था मैं जो आपकी महानता को पहचान नहीं सका। एक दो मामूली सा थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज उससे ज्यादा कुछ नहीं। दया दिखाओ उस्ताद अपने बंदे पे, माफ कर दो, जाने दो मुझे उस्ताद। गब्बर रॉबिन के पैरों में गिरा हुआ था और गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन रॉबिन कोई साधु या फकीर तो नहीं था जो दया दिखाए। अगर रॉबिन के पास ये ताकत न होती तो क्या गब्बर उस पर दया दिखाता? कहते ही नहीं, बल्कि वो उसे बुरी तरह मार कर बाजार में अपना आतंक और बढ़ाता।
रॉबिन ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही वो गब्बर पर हमला करने लगा तभी पीछे से आवाज आई, हमारे आदमियों को छोड़ दो। आवाज इस तरह से आई जैसे कि किसी ने ऑर्डर किया हो, और इस तरह का बर्ताव रॉबिन सिर्फ अपने सीनियर्स का ही सहता था, इसलिए रॉबिन नहीं रुका। कड़ाक, ऐसी आवाज बाजार में गूंज गई। रॉबिन ने अपना हाथ सीधे गब्बर की छाती पे मार दिया था। उसी पल गब्बर की छाती कांप उठी थी, मानो किसी ने तपता तवा उसकी छाती पे रख दिया हो। अगर ऐसा किसी अवेकेंड वॉरियर के साथ हुआ होता तो शायद वो भी इसे नहीं झेल पाता। गब्बर तो फिर भी एक गुंडा ही था बस। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? जिस आदमी ने पहले रॉबिन को रोकने का आदेश दिया था फिर से उसी की आवाज आई, लेकिन रॉबिन ने पिछली बार भी उसकी बात को नजरअंदाज करके गब्बर को खत्म कर दिया था, और रॉबिन ने इस बार भी पलटना जरूरी नहीं समझा था। वो आदमी अब सीधा सीधा रॉबिन के तरफ तेज रफ्तार के साथ बढ़ने लग गया था। सारा बाजार उन्हें देख रहा था। क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा ये? इसका गब्बर के साथ क्या संबंध था, और रॉबिन का गब्बर को मारना क्या उसके लिए घातक साबित होगा? कमेंट्स में बताइए और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपने आदमी को मरते हुए कहां देखा जाता है, खास करके तब जब आपने उसे बचाने की काबिलियत हो। आपने थोड़ी कोशिश भी की हो लेकिन फिर भी आप कामयाब ना हो पाए तो निराशा बहुत होती है, गुस्सा भी बहुत आता है। कुछ कुछ ऐसा ही हादसा अभी बाजार में होकर हटा था। रॉबिन ने गब्बर को धाराशाही कर दिया था। गब्बर राजकुमारी को छेड़ रहा था जो कि रॉबिन से देखा नहीं गया, और फिर रॉबिन को अपनी ताकत का नमूना सारे बाजार को दिखाना पड़ गया। लेकिन ऐसा होने से ठीक पहले किसी ने उसे रुक जाने को कहा था, जिस आवाज को रॉबिन ने अनसुना कर दिया था, और वो आदमी बहुत गुस्से में था। वो चिल्ला ही पड़ा था जब उसे एहसास हुआ कि रॉबिन ने बिना पलक तक झपकाए गब्बर को इतनी बेरहमी से मार दिया था। उसी गुस्से में वो रॉबिन की तरफ बढ़ रहा था, और साथ ही साथ एक हवा का झोंका भी बहुत तेज रफ्तार से रॉबिन की तरफ बढ़ रहा था। ये उसी आदमी की पावर थी। रॉबिन वही का वही खड़ा रहा। बिना पीछे देखे रॉबिन ने पीछे की तरफ अपनी कोनी घुमा दी। बैंग! दोनों के दोनों जहां थे टकराने के बाद वहां से दो दो कदम पीछे हो गए। झटका बहुत जोर का था। झटके से रॉबिन भी एक बार तो हैरान हो गया था। उसे नहीं पता था कि कोई इतना शक्तिशाली आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। रॉबिन ने मुड़कर उसे देखा। वो एक खूबसूरत नौजवान था। उसके माथे पर बहुत हल्के निशान के तौर पर किंग लिखा हुआ था, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। दोनों योद्धा एक दूसरे को देख रहे थे, और एकदम से सामने वाले की मांसपेशियां बढ़ने लगी। साफ था कि उसने अपनी पुश्तैनी जीन चेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे ही रॉबिन को ये अंदाजा हुआ कि ये आदमी पुश्तैनी जीन चेन इस्तेमाल कर रहा था, वैसे ही रॉबिन के दिमाग में वो तीन खानदान आ गए, सिंह, बाज और हिम खानदान। जरूर ये बाकी दोनों खानदानों में से किसी एक का है। बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये आदमी बाज खानदान से हो। ये तो बाज खानदान के छोटे उस्ताद रहमान है। हाँ यार, ये तो वही है। पता है, इनकी जीन चेंज पूरी हो चुकी है। मेरे बड़े भाई ने बताया था, वो इनके नौकर का दोस्त है। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ बे, ये छोकरा तो गया। इसने ना सिर्फ रहमान भाई की बात को अनसुना किया, बल्कि एक बड़े खानदान के सदस्य को ललकारा है। अब तो फर्क पड़ता ही नहीं कि ये कितना ताकतवर है, रहमान भाई के आगे तो बराबर ही नहीं। लोगों में रहमान को देखकर हल्ला समझ गया था। मैंने तुम्हें कहा भी था रुक जाओ, पर तुम फिर भी नहीं रुके, रहमान ने गब्बर की तरफ इशारा करते हुए कहा। गब्बर की लाश को देखकर तो उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रॉबिन की भौहें तो चढ़ गई थी, लेकिन उसने बहुत हल्के से उनका जवाब दिया। आप जो भी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपका आदमी तो नहीं हूँ, ना ही आप मेरे मालिक हैं। तो ऐसे हर किसी के कहने पर अगर मैं वो करने से रुक गया जो करना जरूरी है,
तो मुझे तो सब डरपोक ही कहेंगे। इस जवाब से न सिर्फ रहमान स्तब्ध रह गया था, बल्कि बाजार में खड़े जिस भी इंसान के कानों तक ये बात पहुंची, वो सभी दंग रह गए थे। रहमान से ऐसे बात करने की हिम्मत भी कोई कैसे कर सकता था? वो गब्बर नहीं था, ताकतवर होने के साथ साथ वो नामवर भी था। एक ऊंचे खानदान से था, लोगों की मदद करता था, बल्कि माना तो ये भी जाता था कि पिछले कुछ सालों में रहमान ही सबसे अच्छा अवेकंड वॉरियर था, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। उसकी 3 जीन चेंज पूरी हो चुकी थी और उसकी ताकत तीनों खानदान के बड़े सदस्यों के लगभग बराबर ही मानी जाती थी। सिर्फ रहमान को अपमानित करना मतलब पूरे बाज खानदान को अपमानित करना था। वहां सबकी आह निकल गई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रॉबिन अब ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं था। ई ग्रेड ग्राउंड में 3 खानदान ऐसे थे जिन्हें अपमानित करना बहुत भारी पड़ सकता था। मुंह पर तो क्या ही करते, लोग तो पीठ पीछे भी ये भूल नहीं करते थे, क्योंकि ये खानदानी लोग थे। इनके लिए संपत्ति एक तरफ थी और इज्जत एक तरफ। संपत्ति में हेर फेर बर्दाश्त भी कर लिया जाता था, लेकिन इज्जत पे हमले का मतलब था जंग का आवाहन, और अब रॉबिन ने वो आवाहन दे दिया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, रहमान ने कहा और उसकी हंसी छूट गई। वो गुस्से में हंस रहा था, उसे हैरानी भी हो रही थी कि ये हो क्या रहा था। ये लड़का है कौन, यहाँ का तो नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ होने के बावजूद वो रहमान को न पहचाने ये मुमकिन ही नहीं था। साथ ही साथ यहाँ का होने के बाद वो रहमान के कहने पर उसके जूते भी साफ करने लग जाता। ये बाज खानदान का रुतबा था। उसकी हंसी खतरनाक थी। वो रॉबिन को ऐसे देख रहा था मानो कोई शिकारी जानवर अपने शिकार पे लपकने से पहले उसे देखता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाज खानदान की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, चाहे वो यहाँ का हो या कहीं का भी, चाहे उसे मालूम हो या नहीं, लेकिन इस तरह की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जा सकती यहाँ। रहमान ने गुस्से में कहा और हमले के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी मधु, जो अब तक चुपचाप दूर हटकर ये सब देख रही थी, उनका संयम खत्म हो गया था। वो आगे बढ़ते हुए रॉबिन के सामने आकर खड़ी हो गई और कड़क आवाज में बोली, रहमान, ये आदमी हमारे सिंह खानदान का आदमी है, क्या अब भी तुम खानदानी कानून के खिलाफ जाना चाहोगे? बेशक उनकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उस आवाज में रौब था, आत्मविश्वास था, और इसी की वजह से रहमान भी चौंक उठा था। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, खुद राजकुमारी मधु थी। मधु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रहमान की आंखों में जो गुस्सा था और उसके शरीर से जो शिकार की बू आ रही थी, वो अचानक से गायब हो गई और बहुत नर्म आवाज में उसने राजकुमारी मधु से ये पूछा, मैं नहीं जानती थी कि ये आदमी गब्बर कौन था और तुम इसे कैसे जानते थे, लेकिन इस आदमी को मेरे बारे में पता था और उसके बाद भी उसने कुछ ऐसी बातें कही जो इसे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे तो इसे रोकना ही था, तो उसमें अगर रॉबिन ने मेरी मदद की तो क्या गलत है इसमें? राजकुमारी ने जवाब दिया, और हाँ, रॉबिन हमारी तरफ से महापर्व का हिस्सा बनने वाला है, और अगर महापर्व से पहले दोनों खानदानों के योद्धाओं का आपस में झगड़ा होता है तो दोनों खानदान महापर्व से बाहर कर दिए जाएंगे। तुम्हें ये कानून अच्छे से पता है, क्या तुम चाहते हो कि हिम खानदान बिना कुछ मेहनत किए महापर्व जीत जाए? राजकुमारी मधु ने ये कहा और वो लगातार बोलती रही। ऐसा नहीं था कि वो रॉबिन के बचाव में कुछ भी बोले जा रही थी, वो तथ्यों पे बात कर रही थी। लेकिन इसने बाज खानदान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, रहमान ने कहा, इसमें तुम्हारे ही आदमी का दोष था। हम लोग तुम्हारी बेइज्जती करने यहाँ नहीं आए थे। आदमी वैसे ही पालो जिन पर लगाम खींच सको। अगर तुम्हें अब भी कोई समस्या है तो अंकल से कहना, घर आकर पिताजी से तथ्यों पर बात कर ले, बाजार के इस हंगामे को यही रोक देते हैं। राजकुमारी ने कहा और रॉबिन के साथ वहां से चली गई। रहमान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कहने की अवस्था में ही नहीं था, वो तो जड़ हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में राजकुमारी को जवाब दे। इस वक्त उसने शायद इसलिए भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सिंह खानदान से कोई झगड़ा नहीं चाहता था और वो महापर्व के नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता था।
उसके पिता ने भी कहा था कि इस महापर्व के दौरान कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे रॉबिन का नाम याद रह गया। रहमान ने मन ही मन ठान ली थी कि वो अब रॉबिन को बख्शने वाला तो नहीं था। यहाँ नहीं तो क्या हुआ? महापर्व के मैदान में कोई कानून उनकी लड़ाई को नहीं रोक सकता था। वहाँ ही रहमान उसे अपनी असली ताकत का नमूना दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ, तुम पागल हो गए हो क्या? सभी से ऐसे बात करते हो जैसे यहाँ के राजा हो, राजकुमारी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। पूरे बास खानदान में से रहमान से सबसे ज्यादा बचकर रहना चाहिए। उसके पास खूंखार चीते का जीन है। इसके अलावा उसकी 3 जीन चेन पूरी हो चुकी है। वो कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे तुम हल्के में ले सको। चिंता मत करो राजकुमारी, वो मुझे नहीं हरा सकता, और रॉबिन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए। वो रॉबिन को ऐसे देख रही थी मानो अभी उसके आंखें निकाल लेगी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि सिर्फ 1 जीन चेन वाले अवेकन वॉरियर में इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया था। लेकिन फिर उन्हें थोड़ी राहत भी मिली। शायद वो भी सच में रॉबिन की ताकत और उसके आत्मविश्वास में यकीन रखती थी। वो चलते चलते एक ऊंची इमारत के नीचे आकर खड़े हो गए। वो इमारत किसी चर्च के जैसे लग रही थी। ये जगह खास तरह पर अवेकंड वॉरियर्स के लिए बनाई गई है। यहाँ अवेकंड वॉरियर्स अपना कुछ भी सामान नीलाम कर सकते हैं, जिसे सामने से कोई अवेकंड वॉरियर ही खरीद सकता है, और अवेकंड वॉरियर के अलावा यहाँ कोई और घुस भी नहीं सकता, राजकुमारी ने जगह के बारे में रॉबिन को बताया। अरे वाह, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह होगी, रॉबिन ने कहा। वो भी काफी उत्साह से भर गया था। वो इमारत वाकई बहुत लंबी और विशाल थी। अंदर क्या होगा वो ये जानने के लिए उत्सुक था। जाओ अंदर जाकर देखो, तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है जो तुम्हारी ताकत बढ़ा सके, राजकुमारी ने कहा। और रॉबिन ने उन्हें अजीब तरीके से देखा मानो उसने कुछ गलत सुन लिया हो। जाओ क्या होता है, साथ चलो प्रिंसेस। और रॉबिन राजकुमारी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गया। ये भाव भी राजकुमारी के लिए नया था। ऐसा कभी किसी राजकुमारी के साथ होता था कि कोई निचले तबके से उठकर यहाँ पहुंचा आदमी उन पर इस तरह से हक जमा ले? कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि बिना इजाजत के राजकुमारी को छू ले। और अगर रॉबिन ने आज ऐसा किया था तो इसका मतलब यही था कि राजकुमारी की इजाजत थी। मन ही मन लेकिन थी जरूर। रॉबिन ने भी ये किसी मकसद से नहीं किया था। उसके मन में कोई भी भेद नहीं था। बस इतने दिन से सिंह खानदान में राजकुमारी के साथ रहते रहते उनके बीच में एक दोस्ती का रिश्ता तो बन ही गया था, जिसके तहत रॉबिन ने आज उनका हाथ पकड़ लिया था। राजकुमारी को अच्छा लगा। उन्होंने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। ये ख्याल ही दरअसल उनके मन में नहीं आया। वो रॉबिन के पीछे पीछे चलती रही और मंद मंद मुस्कुराते हुए रॉबिन को देखती रही, मानो कोई बरसों पुराना सपना उनकी आंखों के सामने रॉबिन के रूप में सच हो रहा था। क्या राजकुमारी को प्यार हो गया है? क्या रॉबिन के मन में भी यही भाव है? अगर दोनों के मन में एक जैसा भाव न हुआ तो क्या ये प्यार के अलावा किसी तकरार की शुरुआत हो सकती है? कमेंट्स में बताइए और सुनते रहिए वास्तव का अविनाश, सिर्फ पॉकेट FM पर।